अयोध्या में होने वाले भव्य समारोह को लेकर राम भक्तों में काफी उत्साह है। चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी उम्र के लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए आना चाहते हैं। साथ ही राम मंदिर के लिए लोग तरह तरह के उपहार भेज रहे हैं या लेकर आ रहे हैं। यहां तक कि विदेशों से भी राम भक्त अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल राम भक्तों और अयोध्या वासियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक एम्बुलेंस भेजी गई है, जिसे चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा एक शव वाहन भी नगर निगम को सौंपी गई है। संतों की शिष्य मंडली भारत में भी है तो भारत के बाहर भी है, तो उनके शिष्यों ने यहाँ आने वाले सज्जनों के लिए, नागरिकों के परिवारों में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज पहुंचाना, कहीं और दूर पहुंचाना, उसके लिए एम्बुलेंस, घरों में मृत्यु भी होती ही है तो शव को शमशान घाट पहुंचाना, उसके लिए एक शव वाहन, ये महाराष्ट्र के भक्तों ने नगर निगम को समर्पित किया है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। सारे देश में सेवा की अगर ये भावना बढ़ती रही तो ये समाज की जागरूकता का प्रतीक होगा, संसार में भारत की छाप छोड़ेगा। भारत में एक शब्द महापुरुषों ने कहा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखो। हमें जो चाहिए वो सबको चाहिए, जो हमको पीड़ा होती है वो सबको होती है, और अगर हम अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं तो समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए भी उतनी ही कोशिश करें, उसी का ये व्यवहारिक रूप है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम को लेकर भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों के भक्तों में भी उत्साह है।